जहां एक ओर केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा महिला सशक्तिकरण कराए जाने को लेकर तमाम तरह के उपाय और वादे किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक योजना पूरी तरीके से जमीन पर नहीं उतर पाई है। सोनभद्र जिले के शक्तिनगर स्थित रेहंद जलाशय की भूमि पर लगान देकर कई वर्षों से खेती करती है, गेहूं धान समेत तमाम तरह की सब्जियां भी उगाती है और उसे मंडियों में बेचकर अपना घर चलाती है। क्षेत्र की कई दर्जन महिलाएं अपने खेतों में जाकर मिट्टी कोड़ना, बीज लगाना, खाद डालना और पौधों में पानी के लिए पंप चलाना, ये सारे काम महिलाएं खुद से करते हुए खेतों में सुबह से लेकर शाम तक काम करती हैं। इसके बाद वो घर जाती हैं और फिर वही महिलाएं उन सब्जियों को बेचने के लिए आसपास की मंडियों में भी जाती हैं। ऐसे में अभी तक किसी भी सरकार के द्वारा इन महिलाओं को किसी भी प्रकार की सहायता नहीं दी गई है और ना ही कोई मदद की गई है। फिर वो चाहे महिला सशक्तिकरण के माध्यम से हो या फिर किसान विकास योजना के तहत हो, खेती करने वाली महिलाओं ने बताया कि वो तकरीबन 30 वर्षों से खेती कर रही हैं और उन्हें किसी प्रकार के द्वारा सरकार के द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता, ना ही कोई मदद की जाती। कभी कभी बरसात या फिर जानवरों के कारण फसल बर्बाद होने पर उनकी किसी जो प्रकार से है वो सहायता नहीं की जाती। महिलाएं सहायता को लेकर गुहार लगाती हैं। महिलाओं के द्वारा बताया गया कि महिला सशक्तिकरण योजना के तहत उन्हें कोई भी लाभ नहीं दिया गया है, जबकि महिलाएं उस जमीन का लगान भी देती हैं। यहाँ तक कि महिलाओं को बीज और खाद का भी सहयोग नहीं मिलता है। कुल मिलाकर किसी प्रकार से उगाए हुए सब्जी को बेचकर फिर से खेती करने में वो जुट जाती हैं। वहीं पकौड़ी लाल को सांसद अपना दल ने कहा कि महिला सशक्तिकरण को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर और कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो उन महिलाओं को नेताओं और विधायकों या फिर सांसदों से संपर्क करना चाहिए। साथ ही साथ सरकार की काफी योजनाओं का लाभ भी दिलाया उन्हें जा रहा है। इसी दौरान सांसद जी ने बोला कि दक्षिणांचल की महिलाएं हैं और पढ़ी लिखी नहीं है, उन्हें समिति का गठन करना चाहिए और हम लोगों से मिलना भी चाहिए। आपका किस्मत, ये कब से खेती कर रही हैं और किस तरीके से कर रही हैं? यह तो कोड़त खनत ही 8 बजे से आकर दिन भर 6 बजे तक लगल रही ले 20 साल से करत ही, मगर कुछ मदद नहीं ना दे सरकार, दे दे तो ठीक रहे। बिया बताई की दवाई बीरो पानी सब लगौता ना वाली, जब सरकार दे तो ठीक रहे। ऐसे में महिला सशक्तिकरण अभियान चल रहा है। हाँ। तो अभी तक जो देखा गया है कि किसान, आप लोग किसान टाइप के लोग हैं जो 20 साल से मेहनत कर रहे हैं, तो ऐसे में भी सरकार की कोई मदद अभी आपको मिली है? नहीं ना मिला। अगर थोड़ा बहुत अगर मदद मिले तो किस तरह से क्या होगा? तो और बढ़िया हुई, बढ़िया से कर भाई, अपन पूंजी लगा कितना करी कहाँ पाई। जैसे यह भी देखा जाता है कि जितना लागत होता है क्या उतना मिल पाता है? कहाँ उतना मिल पाई, बहुत लागत होला कि नहीं मिले उतना। क्या नाम है आपका? शिव कुमारी। ये कई साल से खेती कर रही हैं और सरकार द्वारा क्या कुछ लाभ मिला है, कैसे आप लोग करते हैं? जब से यहाँ आए हैं 25-30 साल हो गया, तब से हम कर रहे हैं यही किसानी। कुछ लाभ सरकार द्वारा हमें कुछ लाभ नहीं मिला है, बस अपने मेहनत से जो मिलता है मिलता है, खाद माद भी नहीं मिलता ना, तो कोई उपयोग नहीं काम मिलता। सबको आधार कार्ड मिला पे ही मिला, मतलब खाता खुलाने पर पैसा भी आया, खाते में हमें कुछ नहीं आया है, राशन कार्ड भी हमें नहीं मिला है। अब सरकार द्वारा यहाँ पर जिस तरीके से यह भी देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो आप लोग खेती कर रही हैं, हाँ। तो महिला सशक्तिकरण अभियान चलाया गया है कि महिलाओं के उत्थान को लेकर के, तो उसके द्वारा कुछ लाभ ऐसा कुछ नहीं, कभी कुछ नहीं। अगर सरकार मदद करे तो किस तरह से आप लोग क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे, जो कर रहे हैं आगे बढ़ेंगे, यही ना करेंगे भाई, मिलेगा कुछ तो, कुछ नहीं मिल रहा तो इसी मर रहे हैं। ये जो आप लोग खेती कर रहे हैं तो क्या इसका लगान भी दिया जाता है? हाँ, लगान लगता है, हर साल दिया जाता है, हर साल लगान भरना पड़ता है। और कभी जैसे फसल बर्बाद हो जाता है तो फिर कोई कुछ अधिकारी नहीं, कोई देखने नहीं आता है, कोई कुछ नहीं। फसल, क्या नाम है आपका? फूलमती। ये खेती आप कब से कर रही हैं, कैसे गुजर बसर करती हैं? बहुत दिन से यहाँ से खेती कर रही थी, यह जमा वहाँ पर लेकर करी ला, यह जमा एकर देव जे एकर जमा वसूली, घरे खेत को लिया नहीं आ, यह यही में बेची ला बिकनी ला, यहू नहीं जोने साल बढ़िया से बेचा पड़े तो यू पूंजी डाढ़ हो जाला,
अब खादी मादी घरे से आन कहीं डारी लाई करेला लगाई ला। योगी सरकार महिला सशक्तिकरण योजना चला रही है, कभी उस योजना का लाभ या इससे पहले भी सरकारें कुछ लाभ आपको दी हैं? कुछ नहीं मिला था। घर इतना पूजी करे लगावे यो डांड हो जाला, अच्छा से नहीं बेचा पा रहे जो समय कहाँ के देता। अगर सरकार आपका आपको जो है कि किसी प्रकार से जैसे खाद देने लगे, बीज देने लगे, तो किस तरह का आपको फायदा होगा? कुछ नहीं मिला, कुछ फायदा नहीं था। वो भाई मिली सरकार की तरफ से तो कुछ भाई फायदा होगा, करी खादी मादी डारे की जो तो ही वो तो ही देवा की टेक्चरे का। अब 1000 रुपया 1500 तो मतलब जो तो ही हो गल घंटा पर लेना टेक्चर वाला, तो भाई उतना तो नहीं का जो तो वही हो जाला। दसन बाह जो तो वही बा तब ना सब्जी चलला खेते में। कितने घंटे आप यहाँ पे रोजाना मेहनत हो पाता? अरे यह सुबह शाम यह करीला, धूप में कहाँ ज़्यादा मतलब छाए में नहीं हो जाला। क्या नाम बा तोहार? दसमत। कौन साल से खेती करती है? 30 साल से। कैसे अभी तक कुछ मदद उदद ऐसा कौन या कैसे मदद करत रहली खेती अभी तक कुछ? अरे वैसे हुआ एमएलए सब्जी में ले वो खेती करे थी, खेती सब खेती में ले हुआ बेग बिकिन का तो पूर्ण सब्जी करे थी। कौन साल से करत या ली? 30 साल से। सरकार अभी तक कुछ मदद उदद करे ना ही? सरकार कुछ मदद नहीं करे। सरकार अभी एक योजना चलावती है महिला सशक्तिकरण, ओमे कुछ लाभ मिलल बा अभी तक? नहीं मिलल, कुछ नहीं को पैसा नहीं मिलल। जैसे कभी कभी फसलवा बर्बाद हो जाला तो ओमे कुछ? नहीं कुछ नहीं मिलल। एक तरफ सांसद जी केंद्र और राज्य सरकार जो है महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करती है, वहीं पर यही शक्तिनगर क्षेत्र में 880 की भूमि पर लगान दे करके महिलाएं जो है खेती करती हैं, लेकिन उनको अभी तक सरकार द्वारा हो चाहे किसी के द्वारा हो अभी तक किसी तरीके का सहयोग नहीं किया गया। अब ऐसी बात नहीं, सरकार तो बहुत ज़्यादा इस पर गंभीरता लिया है और महिला सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। अगर ऐसी कोई बात आती है तो उनको अवगत कराना चाहिए संबंधित नेताओं से या संबंधित विधायकों से, सांसदों से या तमाम आप लोगों से, या कहीं ना कहीं एप्लीकेशन हो कोई बात क्या हम लोग कर सकते हैं अवगत होना चाहिए। जैसे आपको अवगत हो गया आपको कहाँ से इकाई स्थितियाँ हैं, हम लोग जब पूरी स्थितियाँ जान जाएंगे तो बता दें कि हमारे यहाँ सरकार से एक भी मिनट कुछ रुकने वाला नहीं है। सांसद जी अभी ये 2022 का चुनाव आने चला और ऐसे में जो जिले की ये दशा है जो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं तो अभी तक इन योजनाओं का लाभ न मिला, तो इस पे क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? मिल रहा है भाई, इतना योजनाएं आ रही है, इतना योजनाएं आ रही है कि बहुत लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। और जो यहाँ पे जो लोग हैं उन वो लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, उसका कारण देखिए वो यहाँ की जैसे कि दक्षिणांचल है, ये पढ़ी लिखी महिलाएं हैं नहीं और न तो अपना समूह बना पाई है ज्यादातर, तो समूह बना लें, समूह में जानकारी है, कभी कभी समूह हम लोगों को आमंत्रित करें, अगले अधिकारी को आमंत्रित करें या हम पढ़े लिखे लोग हम भी कुछ बताएं, आप लोग भी जानकार हैं सरकार की योजना उनको पहुंचावें तब तो कुछ होगा, दीप से दीप जलता है। तो जो अनपढ़ हैं गंवा रहे हैं उनकी बात तो हम लोगों को मदद करनी चाहिए, और सरकार की योजना तो अफराध पड़ी हुई है और उसका लाभ कोई ले नहीं पा रहा, जितने जो लाभ